हेलो फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजिंग लोशंस और क्रीम्स में क्या डिफरेंस है, आपकी स्किन के लिए क्या सही है लोशन या क्रीम, चलिए जानते हैं। समझिए, एक स्पेक्ट्रम है वाटर से वैसलीन तक का, जिसके एक एंड पर है वाटर और दूसरे एंड पर है वैसलीन। वाटर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है बट बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वैसलीन भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है बट बहुत लंबे समय तक स्टिकीनेस उसकी रहती है। तो इन दोनों के बीच में पड़ते हैं मॉइस्चराइजर्स, जिनको वाटर और वैसलीन मिक्स करके बनाया जाता है। किस रेशियो में मिक्स किया जाता है, इसी के बेस पर वो बनते हैं लोशन, क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स। लोशन में मेनली वाटर होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है वैसलीन। अगर इस मिक्सचर में हम थोड़ी सी वैसलीन और मिला दें तो बन जाती है क्रीम। ऑइंटमेंट्स में वाटर कंटेंट या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। ऑइंटमेंट्स वैसलीन और मिनरल ऑयल या कोई दूसरे ऑयल को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ऑयल मिलाने से पेट्रोलियम की स्टिकीनेस कम होती है। तो ये था लोशन और क्रीम्स पर डिफरेंस नंबर 1 कि वो कैसे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस नंबर 2 कि उनका काम करने का तरीका कैसे अलग होता है। लोशंस क्योंकि वाटर बेस्ड होते हैं, मींस उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्किन की टॉप लेयर पर अपना काम करते हैं, स्किन की अंदर की लेयर पर नहीं। जैसे सनस्क्रीन लोशन हमारी स्किन की टॉप लेयर को सन की जो यूवी रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। कुछ लोशंस में ऐसे विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं जो टॉपिकल यूज़ वाले होते हैं, मीन्स जो स्किन की सरफेस पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। और क्रीम्स जो होते हैं वो स्किन की टॉप लेयर के साथ साथ स्किन के अंदर की लेयर में भी विटामिन, मिनरल्स और मॉइस्चर पहुंचाती है। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 3 पर। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि पैराबेन मिलाए जाते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स की स्टिंकिंग स्मेल को छुपाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस मिलाई जाती हैं। और क्योंकि वाटर स्किन में उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसमें पेनिट्रेशन एनहेंसर्स मिलाए जाते हैं। इसलिए लोशंस जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत उसी में होती है। बट लोशंस अप्लाई करने में ईजी होते हैं, आपकी स्किन पर अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं, स्मेल भी अच्छी होती है और स्टिकी भी नहीं होते, इसलिए लोग लोशंस ज़्यादा पसंद करते हैं। बट आपकी स्किन के लिए क्या सही है, ये वेदर पर डिपेंड करता है और आपकी स्किन टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे अगर समर सीजन है, आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर आपको सिर्फ हाइड्रेशन चाहिए, तो फिर लोशंस अच्छे रहते हैं। लेकिन विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए क्रीम्स या थिक लोशंस इफेक्टिव रहते हैं। लाइट टेक्सचर वाले लोशंस आपको सिर्फ बॉडी पर अप्लाई करना चाहिए, फेस पर नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उनमें उतने ही ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि आपके फेस के लिए सही नहीं है। फेस पर आपको थोड़ा हैवियर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपके लिए ऑइंटमेंट्स बेटर होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ना होने या फिर बहुत कम मात्रा में होने की वजह से उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। ऑइंटमेंट्स में सिर्फ वैसलीन और मिनरल ऑयल होते हैं, वैसलीन में एयर और वाटर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो खराब नहीं होती। आपने भी देखा होगा आपके घर में पिछले साल की रखी वैसलीन बिल्कुल खराब नहीं हुई है। और मिनरल ऑयल जो होते हैं वो भी एयर और बैक्टीरिया को नेचुरली रिपेल करते हैं। तो ये थे 3 मेन डिफरेंस क्रीम्स और लोशंस में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे।